Now let's hear from the very popular Vinod Singh, who is the MLA from Giridih. Shukriya Vidya ji. मैं 30 सेकंड और सुन लें फिर भी मैं बात शुरू कर रहा हूँ. मैं थोड़ी देर से शामिल हुआ और मैं अभी गाड़ी में हूँ, लेकिन लगातार मैं अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया से वक्ता बोल रही थी, बांग्लादेश से मैं सुन रहा था और विस्तार से बातें आई. और प्रदीप जी जो खुद उस इलाके में तमाम लड़ाइयों को लड़ रहे हैं और विधानसभा में भी लगातार और सड़क पे भी लड़ रहे थे, हमने देखा. मैं जो सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि अड़ानी जैसी कंपनियां, हम इस मामले से समझ सकते हैं कि क्यों भारत में या झारखंड में इस तरह के जगहों को चुनती है, जब ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों में भी हो. चाहे आपके अनुभव हो, आपसे खतरनाक तब हो जाता है कि जब कारपोरेट कंपनियां और सरकार दोनों ही साझेदार बन जाती हैं. और भारत में खास करके जो अभी राजनीतिक रूप से जो सरकारें चल रही है और अडानी जिस तरह से कंपनी है, यहाँ यह संशय बहुत जो है साफ तौर पर दिखाई देता है. अडानी की गोड्डा में शुरुआत ही हुई, खास करके संथाल परगना गोड्डा का वो इलाका आता है जो बांग्लादेश बिहार बंगाल से जो मिलता है, कि जब राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये पूरे बांग्लादेशी घुसपैठ और इस तरह के सवाल को उठा रहे थे, जिसकी परिणति एनआरसी के रूप में ले गए, ठीक उसी समय कि कैसे व्यापारिक हित जो है उनके कारपोरेट घरानों के सुरक्षित हों, बेहतर हों, उसके लिए जो है बांग्लादेश के साथ वो समझौता करते हैं. ये तीनों मामले जिसको प्रदीप जी ने भी बताया कि हम लोग लंबे समय से झारखंड में जिस संथाल परगना टेंडेंसी एक्टिव की बात हो रही है, झारखंड की बुनियाद ही वो संथाल विद्रोह से तमाम लड़ाइयों से ये हासिल हुआ था. चाहे उसके बाद फिर 2013 का जो है आप कानून है, लंबे समय से देश में किसानों के आंदोलन के बाद वो हुआ, लेकिन ये तमाम कानून किसान हो, मजदूर हो, या उस समय संथाल विद्रोह से अंग्रेजों के समय में CNT SPT एक्ट जैसे कानून बनते हैं, लेकिन जब देश में जब सत्ता इस तरह के राजनीतिक सत्ताधारियों की और कारपोरेट घरानों के संश्रय होते हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे ये तमाम कानून भी, जिन्हें एक हद तक हम प्रगति से समझते हैं, जिन्हें एक हद तक हम लड़ करके आते हैं, वो कौड़ी के दाम पर जो है वो टूटते हैं, वो तुरंत जो है खारिज कर दिए जाते हैं. प्रदीप जी ने भी बताया, जो हम लोग यहाँ गोड्डा में देख सकते हैं, कि वो किस तरीके से सेंटी कानून का जो उल्लंघन किया गया, किस तरह से जमीन का दर की भी, जिसकी हम तमाम लोग चर्चा करते थे कि भाई चलिए कि कम से कम, या सरकारें कहती थी कि अब किसानों को 4 गुना दाम मिलेंगे, लेकिन वह भी जब किसानों के हित में जाए तो बताया, आपने देखा कि कैसे जमीन का जो बेसिक रेट है वही कम कर दिया जाता है. तो ये लगातार कोशिश है झारखंड में, लगातार लंबे समयों से विस्थापन के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, और झारखंड एक ऐसे प्रदेश में है जहां कृषि योग्य भूमि यूं ही बहुत कम है, जहां पहले ही पब्लिक सेक्टर के नाम पे पूरे देश में सबसे ज्यादा वो कोल इंडिया हो, बाकी चीजें हैं, खनन हुए हैं, जंगल बर्बाद हुए हैं. कल के दौर में तो लोगों के एक उम्मीद भी रहती थी कि भाई PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो चलिए कम से कम नौकरियां मिल जाया करेंगी. लेकिन अब अगर आप देखें तो जो कारपोरेट घराने आ रहे हैं, अडानी जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार तो शून्य मिलते हैं, और जो कुछ रोजगार भी मिलते भी हैं वो बहुत ठेके के मजदूरी के रूप में मिलते हैं. तो ये लगातार ये लड़ाई, ये संघर्ष रहे हैं, और इसीलिए जब वहाँ के आंदोलनों के भी आप चित्र देख रहे होंगे, आप तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लहलहाते किसान, उन किसानों को, उन आदिवासियों को यह भी पता नहीं, उनकी सहमति भी ली नहीं गई, यहाँ तक उनको राशि भी उन्होंने ली नहीं, और उनके खेत में जो है वो काम लगा दिए गए, और विरोध करने. लेकिन दिनों में लगातार अडानी के खास करके इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, हर जगह विरोध की आवाज उभर रही है, उसमें इस तरह के जो आंदोलनकारी ताकत है, इस तरह जो प्रतिरोध की आवाजें हैं, वो और भी ज्यादा बुलंद होगी. थैंक्स. So, Comrade Vinod Singh, he is the CPIML, the MLA from the Communist Party of India, Marxist Leninist from Bagodar in Jharkhand, and he spoke about why is it that this company is choosing Godda
and Jharkhand in particular. It's because the current regime we have is especially eager to support this kind of corporation. This nexus between the government and the corporation becomes easier in a country like India and in a state like Jharkhand. And he said that we should remember that this whole Santal Pargana region is it borders Bangladesh and it's close to Bangladesh and all of that. And he said that the BJP, the Bharatiya Janata Party that rules the India right now and had a government in Jharkhand till recently, they made their political inroads in Santal Pargana by creating this bogey of Bangladeshi infiltration, which also led to this whole National Register of Citizens business against which there was such a big movement going on in all over India right now. So at the same time, however, they were signing agreements with Bangladesh, agreements with corporations which would benefit only the corporations and not the people of Bangladesh or the people of India. So that is an irony. He also reminded that the Santal Pargana Act that is being talked about, that is actually the product of a remarkable anti-colonial struggle called the Santal Revolt or Santal Rebellion, which was basically an anti-colonial struggle by the indigenous people, which won these acts that protect indigenous land. And now these lands today are basically going for peanuts, and the government that is pretending to be all nationalist and all of that is actually deliberately gutting these these laws that are the product of anti-colonial struggles. And in Jharkhand also, there have been many, many struggles against land grab. And he reminded that there's very little fertile agricultural land in Jharkhand. So this is one of the rare places where there is good fertile land, and that land is being snatched in this way. In other places, forest land is being destroyed in order for mining. People of Jharkhand thought that, well, at least there are public sector units there. Those will provide some jobs. Now, those are being gutted by the current regime. And so at the same time, you know, avenues of livelihood and survival through land and forests is being taken away. At the same time, what is being given in the and jobs in public sector is going. And what is being given in the name of jobs is just contractual jobs under which people basically will be permanently precarious and insecure. And he thanked people for the solidarity from various countries and hoped that we can be in solidarity with each other and strengthen these struggles. So that was Comrade Vinod. Yeah.